बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अजाज़ील से इबलीस तक की कहानी। इबलीस जिसको शैतान कहा जाता है, यह फरिश्ता नहीं था बल्कि जिन था जो आग से पैदा हुआ था, लेकिन ये फरिश्तों के साथ मिला जुला रहता था और दरबारे खुदावंदी में बहुत मुकर्रब और बड़े बड़े बुलंद दर्जात व मरातब से सरफराज था। तफसीर में है कि इबलीस सबसे पहले जिन यानी तमाम जिन्नात के बाप मारिच के पोते का बेटा था। हज़रत काब अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि इबलीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची रहा, 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा, 20,000 बरस तक मलाइका को आवाज़ सुनाता रहा, 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा, 1,000 बरस तक रूहानीन की सरदारी के मनसब पर रहा, 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। पहले आसमान में उसका नाम आबिद, दूसरे आसमान में जाहिद, तीसरे आसमान में आरिफ, चौथे आसमान में वली, पांचवें आसमान में तकी, छठे आसमान में खाजिन और सातवें आसमान में अजाजील था। और लोहे महफूज में इसका नाम इबलीस लिखा हुआ था और ये अपने अंजाम से गाफिल और खात्मा से बेखबर था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इबलीस ने इनकार किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर और अपनी बड़ाई का इजहार करके तकबर किया, जिसकी वजह से खुदावंदे आलम ने इसको मरदूद करके दोनों जहान में मलऊन फरमा दिया और इसकी पैरवी करने वालों को जहन्नम में अजाब नार का सजावार बना दिया। कुरान मजीद में मुख्तलिफ अल्फाज और मुतअद्दिद तर्ज़े बयान के साथ सात मकामात यानी सूरह बकरा, सूरह एराफ, सूरह हजर, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह त्वाहा, सूरह स्वाद में इस दिल दहला देने वाले वाक़े का तज़किरा मज़कूर है। इससे एक दर्स हदायत तो ये मिलता है कि कभी अपनी इबादतों और नेकियों पर घुमंड और गुरूर नहीं करना चाहिए और किसी गुनाहगार को अपनी मगफरत से कभी मायूस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खात्मा कैसा होगा आम बंदों को इसकी कोई खबर नहीं है और निजात व फलाह का दारो मदार दर हकीकत खात्मा बिलखैर पर ही है। अगर बड़े से बड़े आबिद का खात्मा बिलखैर ना हुआ तो वो जहन्नमी होगा और बड़े से बड़े गुनाहगार का खात्मा बिलखैर हो गया तो वो जन्नती होगा। देख लो इबलीस कितना बड़ा इबादत गुजार और किस कदर मुकर्रब बारगाह था, मगर अंजाम क्या हुआ कि इसकी सारी इबादतें गारत व अकारत हो गईं और वो दोनों जहान में मलऊन होकर अजाब जहन्नम का हकदार बन गया, मगर वो अपने अंजाम और खात्मा से बिल्कुल बेखबर था। हदीस शरीफ में है कि एक बंदा अहले जहन्नम के अमाल करता रहता है हालांकि वो जन्नती होता है और एक बंदा अहले जन्नत के अमल करता रहता है हालांकि वो जहन्नमी होता है। इन्नमल आमाल बिल खवातीन यानी अमल का एतबार खात्मों पर है। इंसान आलिम हो या जाहिल, मुत्तकी हो या गुनागार, हर आदमी को जिंदगी भर शैतान के वसवसों से होशियार और इसके फरेबों से बचते रहना चाहिए, क्योंकि शैतान ने कसम खा रखी है कि मैं वसवसा डालकर बंदों को सिराते मुस्तकीम से बहकाता रहूंगा और बहुत से बंदों को अल्लाह का शुक्र गुजार होने से रोक दूंगा। अल्लाह ताला हम सब को शर नफ्स शर शैतान से महफूज रखे और अल्लाह ताला अपनी रहमत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।